गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी तक आपने वर्तिका का व्लॉग देखा होगा, हम लोग वंदे भारत ट्रेन से हरिद्वार आ गए हैं, तो उसके बाद से मैं शुरू कर रही हूँ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइस आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं परमार्थ निकेतन में, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का दृश्य। और इधर ये लगा रहे हैं ताला बिट्टू और मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस गंगा स्नान करने, और आज ऋषिकेश में इतना भीड़ थी क्योंकि चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है, तो हम लोगों को इतना घूम फिर के आना पड़ा। 4 घंटे हमने जाम में लगना पड़ा तब जाके हम आए हैं। तो बस अभी आए हैं रूम में, हमने सब सामान अपना रखा है, अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं परमार्थ निकेतन जो कि हरिद्वार में है, और ये चिदानंद मुनि जी का है, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। जय गंगे माँ। ये है परमार्थ निकेतन, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है ये। और ये देखो ये है इसका गार्डन। किधर से चलना है? क्या हुआ? हाँ गार्डन, चलो पहले वहाँ चलते हैं। तो ये देखिए गाइस इसमें लगे हुए हैं कटहल। यार यहाँ पे रील्स बनाने से नहा के आते फिर बनाएंगे। ये देखिए गाइस कितना अच्छा है परमार्थ निकेतन। हाँ हाँ तो चलिए गाइस चलते हैं, आप लोग भी देखते रहिए। ये देखिए गाइस यहाँ बरगद का और कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, और यहीं से लोग गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए बुकिंग करते हैं। और ये यहाँ पे देखिए सारे देवता हैं। पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, कितना सुंदर है। यहाँ ये पूछ रहे हैं क्योंकि हमें जाना है गंगा स्नान करने। क्या चलिए गाइस कर लेते हैं पहले गंगा स्नान। और इतना हम लोग थक गए हैं, हम लोग सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं, आप लोग को मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा। और फिर हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश आने में इतना जाम था 4 घंटे का, अब जाके हम लोग 4 बजे पहुँचे हैं हरिद्वार। तो चलिए फिर ब्लॉग भी बने रही है। तो देखिए ये है हमारा परमार्थ निकेतन, कितना सुंदर है, कितने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये चिदानंद मुनि जी इन्हीं का ही है ये। और ये देखिए गार्डन, देखिए आप गाइस यहाँ की खूबसूरती। वाओ यहाँ तो रील्स कितनी अच्छी बनेगी। चलो नहा के आते फिर। हाँ हाँ ये देखिए गाइस, अगर आपको रील्स बनानी हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यति का इतना ही पावन आश्रम है ये चिदानंद मुनि जी का। सो ब्यूटीफुल, वाओ। और देख लीजिए ना परमार्थ निकेतन, इधर है हमारी गंगा मैया। तो चलिए स्नान करते हैं हर हर गंगे। ये देखिए परमार्थ, ये देखो ये है अपनी गंगा मैया। देखिए गाइस ये है अपनी गंगा मैया। तो यहाँ पे नहीं चलते, यहीं चलते और क्या समझे ड्राइवर कमाल के। तो ये देखिए गाइस पानी पीते हुए देखो। हाँ तो ये देखिए गाइस ये है गंगा मैया, बहुत तेज बहाव है। और आप लोग देखिए मेरे पीछे, जय गंगा मैया। हाँ तो चालू हो जाओ जल्दी से। चलो चलो चलो, ये सब सामान कौन लेके करना पड़ेगा। अच्छा तो हाँ पकड़ लेना, बहुत तेज बहाव है गाइस, बहुत ज्यादा।
आ रहे हैं जय गंगा मैया। ये देखिए यहाँ का दृश्य आप लोग देखिए कितना सुंदर। आओ बेटे हाँ बना लियो। ये देखिए गाइस वाओ चलो अच्छा। हाँ ये रहा गाइस अपना लक्ष्मण झूला और ये है अपनी गंगा मैया को लेके आता वो वहाँ। अच्छा 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 तो आप लोग भी गाइस दर्शन कर लीजिए सब देख लीजिए। ये देखिए जय गंगा मैया। अच्छा चैन पकड़ लो इधर आओ। बिट्टू अच्छा इधर ही रहो उधर नहीं जाना। जो पाप किया हुए डुबकी भी लगाई जाती ना डुबकी लगाओ डुबकी लगा पकड़ो चैन पकड़ो तीनों का। गाइस ये हमारा परमार्थ निकेतन का रूम और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा फैल गया है गाइस हम लोग आए थे तो ये देखिए गाइस यहाँ हमको एक ये बेड मिला है एक ये बेड मिला है और एक वो तीन बेड मिले हैं। इधर लगा है हमारा एसी और अभी गाइस हमारा सामान फैला हुआ है आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हम जा रहे थे गंगा नहाने। और ये देखिए तीन बेड हमको यहाँ पे मिले हुए हैं और इधर लेट बाथ है इधर गीजर लगा हुआ है हाथ वाथ धोने के लिए सिंक भी मतलब अच्छा है और आश्रम के हिसाब से बहुत अच्छा है गाइस। तो गाइस अगर आप परमार्थ निकेतन आए तो प्लीज़ यहाँ पे आके मतलब हरिद्वार आए तो परमार्थ निकेतन में आके रुकिए और बहुत अच्छा है परमार्थ निकेतन। और आगे मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगी तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। तो गाइस अभी हमने ज़्यादा नहीं एक आधी रील्स बनाई और अभी हम लोग गंगा जी में स्नान करके आए थे हमने कहा थोड़ा गंगा वंगा कर लें और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से क्योंकि ये वहीं पे ही हैं और ये लोग नहीं आए थे हम लोग आए थे कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए गंगा वंगा करने के लिए। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं अब नहाने के बाद में थोड़ी सी थकान मिटी गाइस इतना थक गए थे हम लोग सुबह से कुछ कहने को नहीं बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं जो पेड़ है ये पेड़ नहीं है ये जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने तपस्या की थी। तो आप देख सकते हैं एक वो सिद्ध पुरुष हैं एक ये हैं और एक ये हैं और एक ये चार ही सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने पहले तपस्या की थी और ये कोई पेड़ नहीं है। तो आप लोग भी इनको प्रणाम कर लीजिए। गाइस बन रही थी हम लोगों की रील्स आप लोग देख सकते हैं वर्तिका ने लगा रखा है चश्मा इधर देखो और देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाइस। और इधर हूँ मैं चश्मा लगा लोग देखा मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं गंगा आरती शुरू होने वाली है तो चलिए गाइस अब चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने कर लिया है गंगा स्नान और हम लोग देख के बैठे हुए हैं और अभी हम लोग बना रहे थे रील्स गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। ये हमको डांटने लगे कहने लगे कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो तुम दुनिया के सामने। तो हमने कहा रील बनाने के लिए करना तो पड़ता ही है तो बन गई है गाइस वैसे काफ़ी रील्स बन गई हैं आप लोग देखेंगे ही आगे और मैं भी आपको दिखाती हूँ बहुत सुंदर नज़ारा है बहुत ही अच्छा गाइस कल कल करके गंगा मैया बह रही हैं डूबता हुआ सूरज
और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। जय गंगा मैया। ये देखिए गाइस, सब लोग इधर बैठे हुए हैं। और यह है गीता भवन और ये रहा अपना गंगा का घाट। ये देखिए गाइस, यहाँ होने जा रही है गंगा आरती। ये है ऋषिकेश। ठीक है, यहाँ होने जा रही है गंगा आरती। ये है ऋषिकेश और आप लोग देख सकते हैं, बस ये है हमारे भोले बाबा और ये हमारी गंगा मैया और यहाँ होने जा रही है गंगा आरती। तो चलिए आप लोग भी आनंद उठाइए। हैं? हाँ, ओह कहाँ गए पापा लोग? आइए चलते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। ले लिया बेटा, जला लिया। तभी हम लोग टहल रहे हैं मार्केट में और इतनी चंदन की खुशबू आ रही है, कुछ कहने को नहीं। और यहाँ देखो पास, और ये देखिए यहाँ का भी अंदर। हम लोग आ गए खाने के लिए, तो अभी डिनर ऑर्डर किया, खाना आ रहा है, तो चलिए खा लेते हैं खाना। तो गाइस आ गया हम लोगों को खाना और चलिए खाते हैं। ये रहा हमारा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद रायता। ये रही वर्तिका की थाली। इधर है अक्षर और ये बस आ रहे हैं गए लेने के लिए। आई होप गाइज आप लोगों ने आज का व्लॉग पसंद किया हो। अगर पसंद किया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।